हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल विद अनिल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें हम इंट्रोडक्शन का पार्ट थ्री पढ़ रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम पार्ट टू इसके पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर की अभी तक हमने डिस्कस किया है कि व्हाट इज ए अर्थक्वेक, what are its various causes, what are the various types of waves, waves की क्या क्या characteristics हैं, P wave, S wave, surface waves, और वो जो waves हैं वो कैसे damage करती हैं। फिर उसके अलावा हमने पढ़ा है कि how we can measure the earthquake qualitative and quantitative। तो quantitative में उसका magnitude और qualitative में उसकी intensity, उसको कैसे मेजर करते हैं, ये सभी चीजें डियर फ्रेंड्स हम पढ़ चुके हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक थर्ड पार्ट, इसका ये कंक्लूडिंग पार्ट है, और इसके अंदर हम ये आपको दिखाया गया है कि भाई ये इस टॉपिक जो है इसके अंदर हम कवर करेंगे। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसके अंदर सिस्मोग्राफ, मतलब वो जो इंस्ट्रूमेंट सिस्मोग्राफ जिसके जरिए कि हम अर्थक्वेक की रिकॉर्डिंग करते हैं, उसके जो कौन कौन से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं सिस्मोग्राफ के और वो कैसे काम करता है, ये हमारा इसके अंदर पॉइंट टू है। फिर उसके बाद जो रिकॉर्डिंग हो जाती है हमारी, उस रिकॉर्डिंग को हम बोलते हैं सिस्मोग्राम। तो ये जो टर्म है, दोनों बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म है, सिस्मोग्राफ एंड सिस्मोग्राम। तो जो सिस्मोग्राफ होता है वो इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं, और सिस्मोग्राम जो है वो जो रिकॉर्ड बनता है हमारा, उसको सिस्मोग्राम बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक है हाउ वी कैन क्लासिफाई द अर्थक्वेक ऑन द वेरियस डिफरेंट बेसिस, उसका मैग्नीट्यूड, इंटेंसिटी, लोकेशन। तो ये कुछ बेसिस है जिसके ऊपर हम क्लासिफाई करते हैं। और फिर हमारा है सिस्मिक जोन मैपिंग, जो हमारा जो सिस्मिक जोन बनता है, इसके अंदर जो सिस्मिक जोन जो अर्थक्वेक जिस जहां पर आते हैं उसकी वजह से जो हमारे सिस्मिक जोन है। और उसके बाद फिर जो अब जब हम डिजाइनिंग पार्ट करते हैं, तो उस डिजाइनिंग पार्ट के अंदर जो लोड जो उस बिल्डिंग के ऊपर जो लगते हैं, स्टैटिक लोड, डायनेमिक लोड और फंडामेंटल पीरियड, तो ये सभी चीजें जो है दे आर ऑल रिलेटेड विद अर्थक्वेक। ये सभी चीजें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है सिस्मोग्राफ, तो मतलब एक इंस्ट्रूमेंट जो कि हम अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने के काम आता है, डेलिकेट एंड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू रिकॉर्ड द अराइवल एंड ट्रांसमिशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्मिक वेव्स। तो जो रिकॉर्ड करता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। तो ये अलग अलग जगह पर हमने इस तरह से सिस्मोग्राफ लगाए होते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एक बेसिक, जैसे इसको हम कह सकते हैं भाई, जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हमने इसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि भाई जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये कैसे काम करता है। ये ग्राउंड पे आपने इंस्ट्रूमेंट को लगाया हुआ है विद द हेल्प ऑफ ये दो हमारे सपोर्ट्स हैं, वर्टिकल सपोर्ट, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। इसके ऊपर एक ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर एक पेंडुलम है, ये पेन है, ये पेपर लगा हुआ चार्ट, और ये हमारा है रोटेटिंग ड्रम। तो इसके इसको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है इस इंस्ट्रूमेंट को, इसको बोलते सेंसर, टाइमर एंड रिकॉर्डर। तो जो सेंसर है, सेंसर के पार्ट के अंदर आ जाता है हमारा पेंडुलम मास, स्ट्रिंग, मैग्नेट और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सपोर्ट, ये सभी पार्ट जो है हमारे ये सेंसर में आते हैं। फिर उसके बाद जो टाइमर है, टाइमर रिप्रेजेंट द मोटर दैट रोटेट्स द ड्रम, जो क्योंकि जो टाइम के साथ साथ जो हमारी जो मोटर है वो उस ड्रम को रोटेट करती रहती है, तो वो जो मोटर जो है हमारी, इट कम्स इन द टाइमर, उसको हम टाइमर बोलते हैं। जो मोटर जो चल रही है टाइम के साथ साथ, तो उसको हमने टाइमर कहा है। और जो रिकॉर्ड करने का जो पार्ट है, द रिकॉर्डर इज दैट पार्ट ऑफ द सिस्मोग्राफ व्हिच रिकॉर्ड्स द ऑसिलेशंस। तो उसमें रिकॉर्डर में आते हैं ड्रम, पेन और चार्ट पेपर, ये जो तीन पार्ट है ये हमारे रिकॉर्डर में आते हैं। तो ये कैसे वर्क करता है, तो जब भी इसमें बताया गया है कि जैसे ही कोई अर्थक्वेक आता है, द पेंडुलम बॉब टाइड टू द हॉरिजॉन्टल बीम, जो पेंडुलम बीम है जो टाइड किया गया है
हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर इससे ये मूव करना शुरू कर देता है। ये जो ड्रम है हमारा ये रोटेट कर ही रहा है विद द टाइम, जो मोटर लगी हुई है इसके अंदर। जब कोई अर्थक्वेक नहीं आता तो ये जो ये इसके अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होगी, तो ये जो हमारा जो ये पेंडुलम है ये इसमें जो रोटेट कर रहा है पहले सीधी सीधी लाइन सीधी चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई अर्थक्वेक आएगा तो ड्रम इस तरीके से जैसे आपको दिखाया गया इस तरह से हिलना शुरू हो जाएगा। तो ये जो पेंडुलम है ये स्ट्रिंग जो है ये इसके अंदर ये कॉन्स्टेंट वर्टिकली रहेगा, लेकिन ये जो हमारा ड्रम है ये इस तरह से हिलेगा, तो इस तरीके से इसके ऊपर वो रिकॉर्ड हमारा अर्थक्वेक हो जाएगा। तो जब लाइनें एजिटेटेड शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई अर्थक्वेक आया हुआ है, तो यही इसका मतलब है। तो इसके अंदर द मैग्नेट कंट्रोल द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस एंड द पेन रिकॉर्ड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वाइब्रेशंस ऑन द चार्ट पेपर। तो ये तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए होगा, इसी तरह से अगर मान लिया इसके अंदर एक वर्टिकल मूवमेंट जो है हमारा, जो अगर इसके अंदर जो ड्रम है हमारा अगर वर्टिकल भी अगर ऑसिलेट करता है तो उसके लिए भी हमने एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगाया होता है जिसके अंदर की फॉर दिस पर्पज द स्ट्रिंग पेंडुलम इज रिप्लेस्ड विद ए स्ट्रिंग पेंडुलम ऑसिलेटिंग। तो जो ये हमने स्ट्रिंग पेंडुलम है इसकी जगह पर आपने क्या किया, ये स्ट्रिंग की जगह पर आपने लगा दी स्प्रिंग। तो जैसे वर्टिकल मूवमेंट होगी तो जो स्ट्रिंग है हमारा इस तरीके से ऑसिलेट करेगा स्प्रिंग जो है, और फिर उसके अंदर जो वर्टिकल मोशंस भी हम इसके अंदर इसके साथ साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल रिकॉर्डिंग एज वेल एज वर्टिकल रिकॉर्डिंग। लेकिन जो ये हमारा सिस्मोग्राफ है इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज यही है कि ये जो फीबल अर्थक्वेक्स के लिए इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स के लिए इसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि इसकी जो रेंज है वो कम होती है। तो फिर उसके लिए हम एक्सेलियोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसका बड़ा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि फीबल अर्थक्वेक के लिए सिस्मोग्राफ और स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक के लिए एक्सेलियोग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ए सिस्मोग्राफ, तो जो रिपोर्ट बनेगा हमारा जो आपने जो चार्ट पेपर पे जो रिकॉर्डिंग की अर्थक्वेक आने की वजह से जो उसके अंदर जो लाइनें खींची, पहले अदरवाइज सीधी सीधी चल रही थी लेकिन जैसे अर्थक्वेक आया तो वो वाइब्रेशंस की वजह से वो हमारी जो आड़ी तिरछी लाइनें आनी शुरू हो गई। तो जो रिकॉर्ड हमारा बनता है दैट रिकॉर्ड इज नोन एज सिस्मोग्राम। तो ये जो हमारी जो दो तरह की वेव्स जैसे आपको बताई गई थी कि भाई बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स, तो बॉडी वेव्स के अंदर भी दो पार्ट पी वेव एंड एस वेव तो सबसे फास्ट होती है इसलिए सबसे पहले रिकॉर्ड होती है। तो उसके बाद जो सर्फेस वेव्स आती है वो रेले वेव्स एंड लव वेव्स आती है। तो ये जैसे आपको दिखाया गया दिस इज ए सैंपल ऑफ ए सिस्मोग्राम। सबसे पहले पी वेव्स रिकॉर्ड हुई, सबसे फास्टेस्ट होती हैं, सबसे पहले आती हैं, और फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव्स। ये सेकेंडरी वेव्स थोड़ी स्लो होती हैं तो इसलिए इनका एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होता है, इनके बीच में गैप ज्यादा है। ये धीरे धीरे आती हैं पी वेव्स के बाद, लेकिन उसके बाद और स्लो आती है हमारी सरफेस वेव्स। तो वो आप देख सकते हैं कि जो सरफेस वेव्स होती हैं ये सबसे ज्यादा डिवास्टेटिंग होती हैं, सबसे ज्यादा नुकसान ये सरफेस वेव्स ही करती हैं। तो ये एक आप देख रहे हैं दिस इज ए सैंपल ऑफ ए सिस्मोग्राम। तो उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि हाउ वी कैन क्लासिफाई द अर्थक्वेक, हम कैसे कैसे अर्थक्वेक को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, तो हमारा जो सबसे पहला लोकेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो अर्थक्वेक कहां पर आया है। तो अर्थक्वेक जो मेनली हम बता सकते हैं जो आता है इट इज ड्यू टू द टेक्टोनिक प्लेट्स। तो जो दो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो पृथ्वी के अंदर नीचे बहुत सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो उनके अंदर मूवमेंट होती रहती है। तो जो अगर हमारी जो इंटर प्लेट जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आए या एक दूसरे से दूर जाएं तो उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं हम इंटर प्लेट अर्थक्वेक। मतलब जो दो प्लेट्स की वजह से जो अर्थक्वेक आता है, दो प्लेट्स एक प्लेट नहीं, क्योंकि दो प्लेट्स के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से जो अर्थक्वेक आता है दैट इज कॉल्ड इंटर प्लेट अर्थक्वेक। तो जो आसाम में अर्थक्वेक आया 1897 में उसका 8.7 उसका रिक्टर स्केल पे मैग्नीट्यूड था। तो जो मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं वर्ल्ड के अंदर और जो खतरनाक होते हैं वो सब इंटरप्लेट अर्थक्वेक होते हैं। दूसरा है इंट्राप्लेट। इंट्राप्लेट का मतलब यह है कि जो एक ही प्लेट के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसको बोलते हैं इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। तो जो लातूर के अंदर महाराष्ट्र में 1993 में आया अर्थक्वेक आया था 6.2 का मैग्नीट्यूड था, सो दैट वाज ए इंट्राप्लेट अर्थक्वेक।
तो जो मतलब जो अर्थक्वेक एक ही टेक्टोनिक प्लेट के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसके अंदर एक ही टेक्टोनिक प्लेट के अंदर जो मूवमेंट हो रही है उसको बोलते हैं इंट्रा प्लेट अर्थक्वेक। अब उसको बाद हम बात करते हैं भाई कोजिस क्या क्या हो सकते हैं अर्थक्वेक के, तो उसके बेसिस पे ही हमने अर्थक्वेक को क्लासीफाई किया है नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक एंड टेक्टोनिक अर्थक्वेक। तो नॉन टेक्टोनिक के अंदर वोल्केनिक अर्थक्वेक जो वोल्केनोज इरप्शंस की वजह से या सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जो मैन मेड अर्थक्वेक्स हैं, मतलब कहीं पर बम ब्लास्ट या डायनेमिक एजेंसीज जो कि पृथ्वी पर ऑपरेट कर रही हैं उनकी वजह से जो अर्थक्वेक आते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। और जो टेक्टोनिक प्लेट जो पीछे हमने डिस्कस किया है इंटरप्लेट या इंट्राप्लेट, सो दे आर द टेक्टोनिक रीजंस ऑफ द अर्थक्वेक। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फोकल डेप्थ, जो हमारी जो डेप्थ होती है फोकल डेप्थ जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है, हमें पता है कि जो फोकस से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है और फोकस को अगर हम ग्राउंड के ऊपर ले आए तो हमारा बन जाता है एपिसेंटर, तो इन दोनों के बीच में जो डेप्थ होती है दैट इज कॉल्ड द फोकल डेप्थ। तो हमने अर्थक्वेक को फोकल डेप्थ के ऊपर भी क्लासीफाई किया है। तो अगर हमारा जो ये डेप्थ अगर कम होती है फोकल डेप्थ कम होती है उसको बोलते हैं शैलो अर्थक्वेक। तो जो शैलो अर्थक्वेक है जो कि जिसकी डेप्थ जो है 71 किलोमीटर तक डेप्थ हो तो उसको बोलते हैं शैलो अर्थक्वेक। और फिर उसके बाद अगर 71 से 300 किलोमीटर तक की अगर डेप्थ हो तो इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, और अगर डेप्थ जो 300 से ज्यादा हो तो दैट इज कॉल्ड डीप अर्थक्वेक। तो इस तरीके से वी हैव क्लासिफाइड अवर अर्थक्वेक ऑन द बेसिस ऑफ द डेप्थ फोकल डेप्थ। उसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटेंसिटी, जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो अर्थक्वेक को हम दो तरीके से हम उसको मेजर करते हैं क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली। तो जो क्वांटिटेटिवली तो जो होता है उसकी जो मैग्नीट्यूड होती है वो कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी है इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो जैसे जैसे जो अर्थक्वेक का जो हमारा जो उसका एपिसेंटर है उससे जैसे जैसे दूर होते चले जाते हैं उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। तो हमने 1 से 12 तक रोमन स्केल में रोमन न्यूमरल्स में हमने इसको डिनोट किया है, तो उसको 1 से 12 तक उसको हमने हमने इंटेंसिटी के बेस के ऊपर उसको हमने क्लासिफाई किया है 1 से 12। तो जैसे जैसे जो बढ़ता चला जाता है इसकी जो इंटेंसिटी और उसका जो डैमेज है वो बढ़ता चला जाता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड के बेस के ऊपर, तो कोई भी अर्थक्वेक जो आता है उसका जो मैग्नीट्यूड है ये फिक्स क्वांटिटी है, उस मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब सो मच एनर्जी हैज बीन रिलीज्ड। किसी भी अर्थक्वेक की जितनी एनर्जी रिलीज होती है तो उतना ही बड़ा अर्थक्वेक आएगा, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो उतना ही बड़ा अर्थक्वेक कहलाएगा। अगर 8 से ज्यादा अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो उसको ग्रेट अर्थक्वेक बोलते हैं, मेजर अर्थक्वेक, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक, मॉडरेट अर्थक्वेक, लाइट एंड माइनर। तो इस तरीके से हमने किसी भी अर्थक्वेक को जो क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। तो जो अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है उसके बेस पर भी इस तरीके से वी कैन क्लासिफाई द अर्थक्वेक। तो अब हम बात करते हैं सिस्मिक जोन मैपिंग। तो हमने जो अर्थक्वेक को जो हमारे जो अर्थक्वेक आते हैं तो जो हम उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से कि भाई जो अर्थक्वेक आ रहा है उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से अलग अलग पॉइंट्स को सेम इंटेंसिटी को मिलाकर हमने जो मैप तैयार किया, तो इस तरीके से हमने उसकी मैप बना दिया पूरे वर्ल्ड का या पूरे अपने इंडिया का, ताकि उसके अंदर जो एरिया जहां पर जितने ज्यादा अर्थक्वेक एक्टिविटीज होती हैं उसके हिसाब से ही वहां पर उसका हम स्ट्रक्चर्स का डिजाइन कर सके या अपने आप को उसके हिसाब से तैयार कर सके। तो हमने पहले अपने इसके इंडिया को 5 जोन में डिवाइड किया था, लेकिन फिर उसके बाद हमने जोन 1 और जोन 2 को मर्ज कर दिया और उसको हमने जोन 2 में रख दिया। तो जो जोन 2 है हमारा जोन 2, 3, 4, 5, आज के दिन जो इंडिया को हमने 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। तो जो जोन 1 और 2 है इसके अंदर हम 5 या 5 से कम, मतलब जो अभी इंटेंसिटी की बात हो रही थी, तो इस जोन्स के अंदर जो अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी होती है वो 5 या 5 से कम इंटेंसिटी की जो एक्टिविटीज है, तो उस वजह से उसको हमने उन एरियाज को जोन 1 और 2 में रखा है। फिर उसके बाद जहां पर 6 या 7 की जो इंटेंसिटी अर्थक्वेक की रहती है उसको जोन 3 में रखा है। फिर 8
जो इंटेंसिटी है उसको जोन फोर में रखा है, और फिर 9 या 9 से ज्यादा की जो जहां पर एक्टिविटीज होती हैं उसको उस एरिया को हमने जोन 5 में रखा हुआ है। तो मतलब ये कि जोन 5 जो हमारा सबसे डेंजरस जोन है, जहां पर कि मैक्सिमम इंटेंसिटी के हमारे अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो रेड जो दिखाया गया है, दिस इज अवर जोन 5। आप देख सकते हैं जोन 5 है ये हमारा। कुछ कुछ एरिया जैसे जम्मू कश्मीर में है, ये हमारा जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है, तो कुछ भुज का इलाका है, तो ये सब जो एरियाज है हमारे, ये सब जोन 5 में आते हैं, वेरी हाई रिस्क जोन। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रिस्क रहता है अर्थक्वेक का। तो यहाँ पर जो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हम अर्थ जोन 5 के हिसाब से ही उसको डिजाइन करते हैं। फिर उसके बाद ये हमारा यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जोन 4 है। तो कुछ एरिया जो हमारा जैसे नॉर्थ इंडिया का जो एरिया है, ये सब लगभग सब सारा का सारा एरिया हमारा जोन 4 में आता है, क्योंकि यहाँ पर से एक क्या नाम एक फॉल्ट यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्लेट गई हुई है। इस प्लेट के अंदर यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज होती है, जो हिमालयन जोन है हमारा, जो हिमालयन जोन से जो कनेक्टेड यहाँ पर जो ये जोन 5 है उसके नीचे का जो एरिया है, दैट इज इन जोन 4। ये जोन 4 आपको दिखाया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा जोन 3, ये मॉडरेट रिस्क जोन है, यहाँ पर की रिस्क कम है अर्थक्वेक का, और यहाँ पर इंटेंसिटी भी जो है अर्थक्वेक की 7 या 7 से कम रहती है। उसके बाद हमारा सबसे जो लो रिस्क जोन है, दैट इज जोन 2। ये जोन 2 दिखाया गया है, ये सबसे सबसे कम रिस्क वाला जोन है। तो जोन 1 और जोन 2, जोन 1 हमें खत्म कर दिया है, सारा का सारा एरिया हमारा जोन 2 में आता है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्टिविटीज होती है अर्थ जो मतलब जो भी हम अर्थक्वेक से जो प्रिपेयरनेस के हिसाब से जो भी अपना स्ट्रक्चर वगैरह जो तैयार करते हैं उसके हिसाब से हम तैयार कर सकते हैं, जोन 2। तो अभी जब हम डिजाइनिंग की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर जो डिजाइन करते हैं हम किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड आएगा, क्योंकि तो उस लोड के हिसाब से ही स्ट्रक्चर डिजाइन होता है। तो हमने उसको जो लोड आता है उसको 2 पार्ट्स में 2 तरह से डिवाइड किया है, कि बोलते हैं स्टैटिक लोड और दूसरे को बोलते हैं डायनेमिक लोड। तो जो स्टैटिक लोड है विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जो टाइम के साथ कॉन्स्टेंट रहता है, जो हमारा डेड लोड वगैरह सुपर स्ट्रक्चर का, उसको हमने स्टैटिक लोड कहा है। और जो डायनेमिक लोड है विच द लोड विच चेंजेस विद द टाइम, जो कि कभी मतलब बदलता रहता है, वेरी करता रहता है, उस तरह के लोड को हम बोलते हैं डायनेमिक लोड। तो जो डायनेमिक लोड भी हमने 2 तरीके से डिसाइड किया है, एक को बोलते हैं पीरियोडिक लोड, एक को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक लोड। तो पीरियोडिक लोड का मतलब ये है कि ऐसा लोड विच रिपीट इटसेल्फ विद ए सर्टन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड के हिसाब से जो लोड हमारा जो रिपीट होता रहता है उसको पीरियोडिक लोड कहते हैं। और नॉन पीरियोडिक लोड का मतलब ये कि जिसकी कि हमें रिपीटेशन का पता नहीं कि कब वो आ जाए, तो उस तरह के लोड को हम बोलते हैं नॉन पीरियोडिक लोड। तो जो अर्थक्वेक है ये हमारा जो है इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन पीरियोडिक लोड। जैसे विंड लोड है ये भी हमारा इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन पीरियोडिक लोड। तो जो स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं उस स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं स्टैटिक लोडिंग के हिसाब से भी, और उसके हिसाब से भी डायनेमिक लोडिंग के हिसाब से भी डिजाइन करते हैं। तो जो डायनेमिक लोडिंग के अंदर हम मेनली अर्थक्वेक लोड को कंसिडर करते हैं, या विंड लोड आता है हमारा वो भी, क्योंकि हमें पता नहीं कब हवा चलेगी या कितनी कितनी तेज हवा चलेगी, तो उसके हिसाब से एरिया के हिसाब से फिर हम उस लोड को हम डिसाइड करते हैं, और फिर उसी लोड के हिसाब से ही स्ट्रक्चर का डिजाइन किया जाता है। तो जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि जो उस पे कितना लोड लग सकता है, तो फिर उसके हिसाब से हम स्ट्रक्चर को डिजाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन सभी टाइप्स की लोडिंग का पता होना चाहिए। तो उसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक है कि भाई फंडामेंटल पीरियड क्या होता है। फंडामेंटल पीरियड का मतलब ये है कि जब कोई अर्थक्वेक आता है तो उसकी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर जो है वो ओसिलेट करता है। तो ओसिलेट मतलब मूवमेंट जो होती है अर्थक्वेक की, जो उसकी वजह से जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है जब एक कंप्लीट साइकिल कर लेता है उसके, तो साइकिल कंप्लीट करने के अंदर जितना टाइम लगता है, साइकिल का मतलब ये है कि जैसे हवा उस अर्थक्वेक की वजह से एक बार आगे जाता है एक बार पीछे जाता है, तो उसके टाइम दौरान जो उसको टाइम लगता है मूवमेंट के अंदर, उस पीरियड को हम फंडामेंटल पीरियड बोलते हैं, और उसको हम टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो हमें उस किसी भी बिल्डिंग का फंडामेंटल पीरियड पता होना चाहिए कि एक अर्थक्वेक जो, क्योंकि जो फंडामेंटल पीरियड है ये उसका जो हम कह सकते हैं कि जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ बिल्डिंग डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल पीरियड विच इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बिल्डिंग। तो
तो ये अगर मान लिया, अगर जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है तो वो अगर मान लिया कभी बाद में चेंज कर देते हैं उस स्ट्रक्चर को, अगर मान लिया उसमें, तो उसकी जो फंडामेंटल पीरियड भी उसका बदल जाता है। तो इसीलिए हमें जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करना चाहिए, जो डिजाइन है उसका बेसिक डिजाइन है जिसको मानकर हमने फंडामेंटल पीरियड उसका मानकर डिजाइन किया गया है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जो बिल्डिंग है उसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया, तीन तरह की बिल्डिंग होती है हमारी, रिजिड, सेमी रिजिड एंड फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स। तो ये सभी उनके जो ये हमारे फंडामेंटल पीरियड्स उसके अंदर आपको बताए गए, उसके जो टाइम है उसका जो है, रिजिड बिल्डिंग का कितना टाइम रहता है, सेमी रिजिड का कितना होता है, और फंडामेंटल उसका जो फ्लेक्सिबल बिल्डिंग है उसका जो फंडामेंटल पीरियड कितना है। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारा जो आपको बताया गया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, ताकि वो भी जो ये मैंने आपको बातें बताई हैं वो भी उसका फायदा उठा सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो, थैंक यू वेरी मच।